Hello viewers, I am Sajan Mehmo. You are watching Pactile YouTube channel. Today I am going to unboxing Oppo Model A15s. Viewers, इसे पहले मैंने अनबॉक्सिंग इसी चैनल पर किया है ओप्पो A15. अगर आप उसका वीडियो देखना चाह रहे हैं अनबॉक्सिंग की 32 वर्जन में मॉडल, वो ऊपर आई बटन दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। जो मैं आज अनबॉक्सिंग करने के लिए जा रहा हूँ, ये 4/64 मॉडल GB रैम में है और ओप्पो का A15s मॉडल है, जो से उससे थोड़ा सा आगे है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे इसी तफसीलात के लिए। इससे पहले हमारा ये YouTube चैनल जो हमारा है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। आइए हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें अनबॉक्स में देखने को क्या मिलता है। जी व्यूअर्स, हम इसकी कुछ हाईलाइट फीचर के बारे में देख लें तो ओप्पो A15s के बॉक्स पे हाईलाइट किए गए हैं। इसमें जो सबसे पहला इसमें बताया गया कि इसमें 4 GB रैम और 64 GB रैम और 64 GB रोम है, SSD है जिनके। और इसमें जो डिस्प्ले है उसकी बात करें तो इसमें 16.55 cm 6.52 HD+ स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है। और इसमें अगर कैमरों की बात करें तो इसमें मल्टीपल रियल कैमरा दिया गया है। और इसमें जो बैटरी की करें वो आपको 4250 mAh की मिलेगी, जो मुझे लग रही कम है क्योंकि नॉर्मली आप तो 5000 mAh पे जा रही है। और इसमें कुछ हाईलाइट में और कुछ नहीं किया गया। और इसके साथ जो OICC जो इसमें ऐप सपोर्ट मिलेगी ओप्पो में, जो कि एक वर्ल्ड कप क्रिकेट के हिसाब से होती है, और इसमें कुछ भी नहीं है। और इसमें एंड्रॉयड जो इजी एक्सेस टू गूगल ऐप यू यूज़, और इसमें कुछ खास डब्बे में नहीं है। और बाकी इसमें इसका मेन ब्रांडिंग की हुई है और इसका मॉडल लिखा हुआ है। जी व्यूअर्स, हमने हाईलाइट जो फ्यूचर के इसके आपको दिखा दिए हैं। अब इसको फाइनली हम अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें बॉक्स में देखने को क्या मिलता है। हम इसकी जो वेपर लगा हुआ है उसको साइड पर करते हैं और हम इसको ओपन करने की करते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने वेपर उठा दिया है, बिस्मिल्लाह दी बरकत, ये देखें। वाह, इसके साथ ही डब्बा खोलने के साथ सबसे ऊपर हमें ओप्पो ब्रांडिंग मिल जाती है। और इसके आगे बढ़ते हैं, हम इसका इस पर साइड पर रखते हैं और बुक्स, वाह, ये तो अपने आप ही ओपन हो रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। बुक्स खुलने के बाद ही फ़ौरन हमें ये डब्बी मिलती है, बुक्स मिलता है। और इसमें हमें जो हमें मोबाइल फ़ोन मिलता है, हम इसकी जो है अभी से पावर ऑन कर लेते हैं। और फिर इस जब तक ये पावर ऑन होता है तो हम ये देखते हैं कि हमें बुक्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो हमें इस वक्त बुक्स में एक केस मिल रहा है और जो कि बड़ा ही प्यारा और अच्छी ही क्वालिटी के अंदर है। और ये इसका केस लुक डिज़ाइन तो बहुत प्यारी है, लेकिन इसका कैमरा देख रहे हैं कि बैक साइड पे है, ना कि साइड फिंगरप्रिंट, जो कि आजकल ट्रेंड चल रहा है उसके मुताबिक नहीं है। और उसके बाद ये इसका उठाने के लिए दिया हुआ कुछ नहीं। इसके बाद हमें बुक्स में एक अडाप्टर मिल जाता है और एक डाटा केबल मिल जाती है। और इसमें जो मैं आपको बता दूँ इसमें कि इसको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल 10 वाट का चार्जर है जो बेहतरीन क्वालिटी में आपको चार्जिंग की परफॉर्मेंस दे सकता है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारे पास जो बुक्स है उसमें देखने को कुछ भी नहीं है। और हमारे पास जो केबल मिल रही है वो केबल हमारे पास टाइप सी नहीं इसमें आती, मैक्रो 8600 केबल इसमें देखने को मिल रही होती है और इसमें मैक्रो केबल नहीं है। हम निकाल के इसको देख लेते हैं, हम दिखा देते हैं आपको कि ये एक और ये देखें, ये आपको केबल 8600 मिल रही है, एक मैक्रो केबल मिल रही है जो कि आपको नज़र आ रही है। और इसके अलावा हम आगे चलते हैं, हमें और बुक्स में कुछ भी नहीं। आप हम अपने डिवाइस की तरफ जाते हैं, उसको वेपर से अनवेपर करते हैं। इसका कलर मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, वाइट कलर है, इसकी लुक बहुत प्यारी लग रही है, वाओ ग्रेट है जनाब, अच्छा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है। आप इसकी हम कुछ डिज़ाइनिंग की बात कर लेंगे, ऑन तो हो गया है। और इसमें हम देखें कि
हमें डिज़ाइनिंग क्या मिली है इसमें, हम देख रहे हैं कि और कोई शेडिंग ऊपर की तरफ कुछ भी नहीं है, और इसका जो हम देख रहे हैं शेडों की तरफ कुछ कीज़ दी गई हैं जिसमें एक वॉल्यूम अप और डाउन, एक पावर कीज़ है, और इसके अलावा बैक साइड पे हमें ये जो इसमें मिल रहा है स्पीकर मिल रहा है, वही 8600 जैक जो कि मैक्रो जैक भी बोलते हैं वो मिल रहा है, मैक मिल रहा है, और 3.0 हमें 3.5 mm जैक ऑडियस मिल रहा है, और इसकी तरफ कुछ भी नहीं है। सिम का ऑप्शन है इसमें, आप दो सिम में एक SD कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, और इसमें और ये आप देख रहे हैं इसकी बैक साइड जो कि आप देख रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बैक साइड है मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और इसके अलावा हमें यहाँ पे बैक साइड पे देखे जाए तो कुछ कैमरे मिल जाते हैं, तीन कैमरे मिल जाते हैं, और उसके साथ एक LED लाइट मिल जाती है, और साथ में फिंगरप्रिंट मिल जाता है। ओप्पो की बैक साइड पे फ्रेंडिंग मिल जाती है, सामने हमें 6.52 इंच डिस्प्ले मिल जाता है। अब मैं इसकी जल्दी जल्दी इसे सेटिंग कर लूँ, फिर हम इसके बाद मिलते हैं। ये देखें इसमें 7 कलर OS इस्तेमाल किया जा रहा है जो हमें फ्रंट पे डिस्प्ले किया जा रहा है, और हम देख रहे हैं इसमें क्या है। और ये हमारे पास फाइनली डिवाइस ओपन हो चुकी है जो कि एक बेहतरीन डिस्प्ले HD डिस्प्ले के साथ है। ये हमने सारी इसकी बात कर ली आपके सामने है, और ये डिवाइस जो हमारे पास इस वक्त है वो हमने दिखा दिया आपको, 4 GB रैम और 64 GB SSD है। ये डिवाइस का जो मेरे पास इसका टच आ रहा है बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सॉफ्ट आ रहा है, और इसमें डिफ़ॉल्ट जो आपको ऐप्स आएंगी वो आएंगी फेसबुक, दराज, और कोई इतनी खास ऐप्स नहीं दी गई, बल्कि ये ओप्पो की तरफ से बेहतरीन कदम है, कदम आता है कि वो फजूल ऐप्स देना बंद हो रहा है और एक क्लियर ऐप्स दे रहा है। फाइनली ये मोबाइल का जो फुल रिव्यू है वो मैं आपको बाद में दूंगा, और बाकी इसलिए हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसका मुकम्मल रिव्यू आए मैं टेस्ट और यूज़ करने के बाद। बाकी इसका जो मैं टच कर रहा हूँ वो बहुत ही सॉफ्ट है, और मोबाइल डिवाइस भी लाइट वेट है और आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप गेम भी इजीली पबजी खेल सकते हैं क्योंकि 4 GB रैम है। मैं कंसिडर करूँगा अगर आप एक अच्छी हैंडसेट डिवाइस चाहते हैं जो तो बेहतरीन डिवाइस हो तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। मैं इसके कैमरे की नज़र डालूं तो इसमें 13 MP का मेन कैमरा, उसके साथ जो 2 2 पिक्सल के दो लेंस हैं, और इसके साथ एक LED लाइट है, और फ्रंट 8 MP कैमरा है। अगर हम कैमरे में इसका कुछ रिज़ल्ट टेस्ट करें तो हम इसी का रिज़ल्ट टेस्ट करते हैं, तो उसमें हमें ये इसका अडाप्टर है इसकी कि हम एक पिक्चर लेते हैं क्या रिज़ल्ट आ रहा है, तो हम इसका कैमरा ऑन करते हैं, तो कैमरा ऑन करके हम इसकी एक फ़ोटो लेके सैंपल दिखाते हैं आपको। मुझे इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट कैमरे की लगी है, बहुत अच्छा कैमरा है, इसने बहुत अच्छी तरीके से फोकस किया है ये देखें, ठीक है, और ठीक है 12 प्राइस के हिसाब से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते, वो सेटिंग्स ने अपने आप ही वर्क करती हैं। अच्छी चीज़ है, एक अच्छा कैमरा है और सेल्फी कैमरा भी अच्छा है। अगर आप कैमरे का फुल रिव्यू देखना चाह रहे हैं ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा उसको फॉलो करते हुए आप इसका फुल रिव्यू देख सकते हैं, अगर आप इसके कैमरे का फुल रिव्यू देखना चाहते हैं तो। बाकी व्यूअर्स बेहतरीन डिवाइस है, अगर आप फेसबुक यूज़र हैं, अगर आप व्हाट्सएप यूज़र हैं, अगर आप यूट्यूब यूज़र हैं, आपको इससे अलावा कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हल्का फुल्का पबजी गेम का भी मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसकी रैम 4 GB है, और इसकी SSD 64 GB है, और इसके साथ इसमें जो प्रोसेसर इस्तेमाल चिपसेट इस्तेमाल की गई है वो MediaTek P35 इस्तेमाल की गई है, जो कि एक बेहतरीन परफॉर्मेंस अदा करती है अगर आप गेमिंग वगैरह इस पर करते हैं। बाकी इसकी बात कर लें इसकी फिंगरप्रिंट की, तो फिंगरप्रिंट भी इसका काफ़ी फास्ट है, ये देखें मैं लगाता हूँ तो फौरन आपकी डिवाइस ओपन हो जाती है, ये देखें उसी वक्त, ओके ये देखें आप देख रहे होंगे आपको समझ आ रही होगी, ये मेरी फिंगर है, ये मैं जैसे रखी वैसे ही होगी। अब इसकी फेस ID की बात कर लें तो ये आपको जैसे ही आप इसको उठा के अपने फेस की तरफ करेंगे तो ये देखें
अब वो देखा अनलॉक कर दिया। उसके बाद देन आप स्क्रीन पे नहीं जाएंगे डायरेक्टली, आपको यहाँ पे क्लिक करके स्क्रीन पे जाना होगा। देखिए अभी मैं फेस अपना नहीं दिखा रहा, इसको ये लॉक में पड़ा है, ये पिन कोड की तरफ जा रहा है, इस आना नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप इसके आगे फेस करेंगे, मैं फेस अपना इसके आगे कर रहा हूँ, तो ये फाइनली आपको एक बार पावर बटन को प्रेस करना होगा। ये देखिए इसने अनलॉक के ऊपर एक ताला लगता है कि आपकी डिवाइस अनलॉक हो चुकी है। फिर उसके बाद आप स्किप करेंगे तब भी आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने आ सकेगी। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट इस बटन को प्रेस करेंगे और आप इसकी तरफ देखेंगे तो अपने आप ही अनलॉक होने के बाद स्क्रीन डिस्प्ले आ जाएगी, लेकिन आनी चाहिए, और ताकि इस तरह ओपन होनी चाहिए ताकि बेहतरीन आपकी फास्ट स्पीड मिल सके। स्पीड को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये चीज़ की है, जिससे यूज़र को कोई प्रॉब्लम ना हो। और बाकी ठीक है, ओवरऑल इसका कलर भी बड़ा प्यारा, जो हम वाइट कलर में हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जी व्यूअर, सामने आपको सारी तमाम इसकी अनबॉक्सिंग दिखा दिया, इसकी अनबॉक्सिंग करके बता दिया, इसके कैमरे के मतलब भी बता दिया, इसका डिस्प्ले के मतलब भी बता दिया, और इसमें ओवरऑल जो डिवाइस की लुक्स है, ओवरऑल जो ग्रेस है, वो भी हमने बता दिया, जो कि बहुत अच्छी है और बहुत लाइट वेट है, बहुत अच्छा है। उसका डिज़ाइन जो आजकल सैमसंग के महंगे सेट आ रहे हैं उनकी तरह है, जो कि मुझे बहुत इंप्रेस कर रहा है। बाकी डिवाइस मोस्टली बेस्ट है अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हो, और मैं तो हमेशा कंसिडर करता हूँ कि 4 GB ही रैम लें। और ये कि मैं इसमें प्रोसेसर वो जो हमें इससे पहले 3540,000 रुपीज़ में मिलता था, और ये हमें बहुत ही अच्छे प्राइस बजट में मिल रहा है। और अगर आप इसको बाय करना चाह रहे हैं, नीचे लिंक दिया, वहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं। और ये बेहतरीन है और अच्छी डिवाइस है, मुझे ये पर्सनली। आप क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना इस डिवाइस के मुतालिक, जो कि हमने बता दिया है सारा। आप मुझे इसकी राय ज़रूर बताना, और अगर आप हमें बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और आप हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे हौसले अफजाई के लिए अपनी राय ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी राय क्या है। अगर आप किसी मोबाइल का अनबॉक्सिंग रिव्यू देखना चाह रहे हैं, वो आप वो भी कंसिडर कर हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, हम उसका रिव्यू लेके आएंगे। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी ही नोटिफिकेशन और वीडियो आती रहे। ये जो वीडियो वीडियो ये पाकटेल डॉग पीके तितावन से बनाई जा रही है, जहाँ पे आप मोबाइल एक्सेसरी जैसे कि आईपॉड, आईपैड्स, और इसके अलावा आप वायरलेस हैंड फ्री, वायरलेस हेडफोन, गेमिंग हेडफोन, ट्राईपॉड, रिंग लाइटें वगैरह ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। अगर आप नीचे लिंक दी हुई या उसको फॉलो करके जाते हैं, साथ प्रोमो कोड दिया गया है, तो आपको 5% डिस्काउंट और इसके बाद शिपमेंट भी आपको फ्री मिलेगी। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए, जल्द से इसे फ़ायदा उठाएं। अपना अपने के तो लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने वो साथ महबूब की गए इजाज़त, अगली वीडियो मिलते हैं, गुड बाय।